चामुंडा नर्सिंग कॉलेज मोहल में Y20 प्रोग्राम का आयोजन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा कुल्लू द्वारा कल्याण और खेल विभाग के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया गया। वहीं इस अवसर पर SDM विकास शुक्ला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। गौर हो कि इस कार्यक्रम में युवाओं को उनके जीवन में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। वहीं नशा मुक्त समाज का निर्माण कैसे हो, जीवन में सकारात्मक सोच द्वारा मानव जीवन में कैसे खुशी लाई जा सके, इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में 350 नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं द्वारा भाग लेकर इसका लाभ लिया गया। ये बेसिकली एक युवा को तैयार करने का प्रोग्राम है, जिसमें वो अपने शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें, दिमागी तौर से तंदुरुस्त रहें और जो आने वाली समस्याएं हैं देश की उनका निवारण करें, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो गई हैं और कई लेवल पे जो समस्याएं हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करें, समाज का नेतृत्व करें और सबको जो है एलिविएट करें प्रॉब्लम्स से। पार्टिसिपेट करूं, फिर 2012 में मैं यूथ विंटर ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट हुई और मैं इंडिया की सबसे छोटी लड़की थी जिसने यूथ विंटर ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। शुरू हुई 2013, 2015, 2017 में मैंने वर्ल्ड की चैंपियनशिप्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। फिर 2018 के लिए हमारा कंपटीशन टर्की में था, तो उसके लिए हम यूरोप में ट्रेन कर रहे थे 2-3 महीनों से लगातार। तो कहीं ना कहीं हमें बीच में ऐसा लग रहा था कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, लाइफ में कुछ भी चीजें हो रही है तो हर जगह कुछ ना कुछ लेसन सीखने को मिला है। तो उस समय हमें ऐसा लग रहा था कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना शायद हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं फिर ऐसा एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि शायद हमसे नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे लाइफ में पॉइंट्स आए कि चलो वापस घर चलते हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि आपका एक जो गोल आपने सेट किया है जो आपको वहां टिकाए रखता है। हम फिर यूरोप से ऑस्ट्रिया में ज्यादातर ट्रेनिंग करते हैं, ऑस्ट्रिया इटली से हम जब टर्की गए तो वहां पर मैं कंपटीशन से पहले अपनी स्कीज इक्विपमेंट्स को हमें प्रिपेयर करना होता है, एजेस को साइड से शार्प करना पड़ता है ताकि हम जो जब आइस होती है, हार्ड स्नो होता है, ताकि उसमें हमारा ग्रिप अच्छे से बना रहे। तो वो प्रिपेयर करते करते मेरा हाथ कट गया था, तो और अगले दिन मेरा कंपटीशन था और ब्लड लॉस इतना ज्यादा हो गया कि मुझे चक्कर आने लगे, मुझे वॉमिट होने लगा। लेकिन मैंने फिर घर पे नहीं बताया था कि ये सब हुआ। तो मैं अगले दिन मैंने मेडिकेशन लेके हाथ में पट्टी वगैरह लगा के मैं कंपटीशन में चली गई। और जो उस दिन कंपटीशन था उसमें वो इवेंट स्लालम होता है जिसमें हमें हाथ से गेट्स को हिट करना होता है, तो वो ज्यादा चैलेंज हो गया मेरे लिए उस हाथ से हिट करना। और मैंने कंपटीशन शुरू किया लेकिन दर्द इतना ज्यादा हो रहा था कि मैं कोर्स से बाहर हो गई, दूर नहीं था। तो मैं अगले दिन मैं कंपटीशन के स्टार्ट पॉइंट पर चली गई और मेरे साथ मेरा टीममेट था, उसने मुझे कहा कि बस अपना बेस्ट देना और सोचना कि जिस तरह से तेरा एटीट्यूड है कि तू हमेशा सोचती है कि अगर आज नहीं तो ये मेरी आगे के लिए ट्रेनिंग है। तो मैंने अपना मन बना लिया, ठीक है चलते हैं कॉम्पिटिशन में। तो मैं गई और उस दिन कोर्स इतना डिफिकल्ट था कि आधा से ज्यादा लड़कियां कोर्स को कंप्लीट भी नहीं कर पा रही थी। मुझे सेम दर्द फिर से ज्यादा हो रहा था लेकिन मैं चलती गई, मैंने कोर्स फिनिश किया और जब मैंने रिजल्ट देखा तो वो मेरा पहला इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल था। लाइफ स्पोर्ट्स भले ही अलग चीज है लेकिन स्पोर्ट्स से जो आप सीखते हैं वो लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम आता है। तो आई थिंक आप सभी जिंदगी में कुछ भी करिए बट नेवर गिव अप।